कोटा से दूसरी बार सांसद चुने गए ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर बनाकर भाजपा ने एक बार फिर जता दिया है कि पार्टी जमीन से जुड़े निष्ठावान नेताओं की कितनी कदर करती है। ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद माना जा रहा है। कम बोलने वाले सरल स्वभाव के मालिक ओम बिरला पिछले 40 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। ओम बिरला की पहचान आरएसएस के स्वयंसेवक, छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होती है। लोकसभा के नव निर्वाचित स्पीकर ओम बिरला के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 17 वर्ष की उम्र में हुई थी। 1979 में उनको स्कूल की स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रधान चुना गया था। उसके बाद ओम बिरला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एम कॉम तक शिक्षा पढ़ाने वाले ओम बिरला बाद में कोटा के कॉमर्स कॉलेज और अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन की राजनीति में सक्रिय रहे। 1991 से 2003 तक ओम बिरला भाजपा के अग्रिम संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े रहे। ओम बिरला युवा मोर्चा की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष रहे। भाजपा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ओम बिरला को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उप प्रधान के रूप में काम करने का अवसर भी मिला। चुनावी राजनीति में ओम बिरला का प्रवेश 2003 में हुआ। ओम बिरला ने कोटा दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता शांति धालीवाल को हराकर सबको चौंका दिया था। 2003 से 2013 तक ओम बिरला लगातार 3 बार कोटा साउथ से विधायक चुने गए। इस दौरान ओम बिरला को वसुंधरा राजे सरकार में संसदीय सचिव के रूप में काम करने का मौका भी मिला। 2014 में ओम बिरला पहली बार कोटा बूंदी सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। सांसद के रूप में ओम बिरला का असाधारण रिकॉर्ड रहा। ओम बिरला की संसद में उपस्थिति 86% रही। 5 साल में ओम बिरला ने 671 प्रश्न पूछे, 163 बार बहस में हिस्सा लिया और 6 प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए। 2019 के चुनाव में ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2.5 लाख मतों के अंतर से हराया था। लेकिन ओम बिरला के व्यक्तित्व की सही पहचान उनके सामाजिक कार्य से होती है, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर लोकसभा में किया। 2001 के गुजरात भूकंप के समय ओम बिरला अपने साथियों और संसाधनों के साथ राहत कार्यों के लिए सक्रिय रहे थे। उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी के समय भी ओम बिरला अपने साथियों के साथ रात के काम में लगे रहे थे। कोटा में भी ओम बिरला का समाज सेवा का तगड़ा नेटवर्क है। सर्द रातों में ओम बिरला कोटा के फुटपाथ पर बेसहारा लोगों में कंबल और गर्म कपड़े बांटते दिखाई दे जाते हैं। ओम बिरला के नेतृत्व में चलाए जाने वाले प्रसादम अभियान के तहत भूखों को भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा कोटा में रक्तदान और जरूरतमंद मरीजों के इलाज की व्यवस्था भी की जाती है। मंगलवार को ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हुई। ओम बिरला ने पहले भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। ओम बिरला की पत्नी डॉक्टर अमृता बिरला ने ट्वीट कर सबसे पहले इसकी सूचना देश को जनता को दी। ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने चयन को अप्रत्याशित बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। YSR और BJD ने पहले ही ओम बिरला के नाम पर सहमति दे दी थी। ओम बिरला के प्रचंड समर्थन को देखते हुए UPA ने भी विरोध न करने का निर्णय लिया। ओम बिरला की नियुक्ति को भाजपा में जनरेशनल चेंज के रूप में देखा जा रहा है। 56 साल के ओम बिरला 1990 के दशक में राम जन्मभूमि के आंदोलन से भी जुड़े रहे। इस सिलसिले में वह यूपी में जेल भी काट चुके हैं। 2 बेटियों के पिता ओम बिरला पेशे से किसान हैं। नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में राजस्थान के 3 सांसदों को जगह दी गई है। राजस्थान के ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होने से भाजपा के लिए राजस्थान के महत्व का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।